चैनल कैसे बनता है, हमने ये देखा थंबनेल कैसे बनता है, वीडियो अपलोड कैसे होती है, वीडियो डिफॉल्ट में अपलोड कैसे होती है, बहुत सी चीज़ें जो कि हमने इस फ्री यूट्यूब कोर्स में सीखी हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, स्टार्ट से अगर आपने नहीं देखा या फिर आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप मेरे चैनल पर जाएँ और मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। तो आज से हम लोग कीवर्ड रिसर्च का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, क्या कीवर्ड्स और टैग्स एक चीज़ होती है। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर डिफरेंट टैग्स वेबसाइट जो हैं, टैग वेबसाइट या फिर कीवर्ड वेबसाइट्स, उनको देखेंगे भारी भारी। कुछ पेड होंगी, कुछ बिल्कुल फ्री होंगी, और एक लास्ट में जो वेबसाइट आपको मैं बताऊंगा वो बोनस वेबसाइट आपके लिए साबित हो सकती है। माइंड ब्लोइंग वेबसाइट है और बिल्कुल फ्री टू यूज़, 100% फ्री टू यूज़ होगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं हम अपने लैपटॉप की तरफ। तो आज हम लोगों ने जस्ट वेबसाइट्स का ओवरव्यू देखना है, कौन सी पेड है और कौन सी फ्री है। तो अभी हम लोग जस्ट उन वेबसाइट्स को विजिट करेंगे कि कौन सी वेबसाइट है, कैसी है, मतलब कि कैसे फाइंड करेंगे टैग्स, कीवर्ड्स कैसे हम लोग निकालेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने अभी आज की इस वीडियो में देखनी है। तो सबसे पहले जो हम लोग टैग्स के लिए और कीवर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, ये पेड सॉफ्टवेयर है बेसिकली VidIQ। इसको आपने बहुत से लोगों ने देखा भी होगा और यूज़ भी कर रहे होंगे, बट बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कैसे होगा। इस पर पूरी एक मतलब कि अलग से एक पूरी छोटी सी सीरीज़ बनाऊंगा मैं इसी यूट्यूब कोर्स में कि कैसे हम लोग VidIQ ऑप्शन, मतलब कि VidIQ जो होता है, इसको अपने यूट्यूब चैनल पे इनेबल करते हैं और बाकी सब कुछ कैसे सेटअप करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं TubeBuddy पे, और TubeBuddy पे जैसे कि आपको पता है कि TubeBuddy भी एक पेड सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कीवर्ड्स प्लस आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको गिवन दी जाती हैं कि आपको ये भी स्टार्ट से मतलब कि सब कुछ बताऊंगा कि TubeBuddy को आपने अपने चैनल पे इनेबल कैसे करना है, आपने आपस में TubeBuddy और YouTube चैनल को लिंक कैसे करना है, लिंक करने के बाद फिर आपने इसको यूज़ कैसे करना है। बेसिकली अभी मैं फ्री वेरियंट यूज़ करूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल इंक्लूडेड मी फ्री वेरिएंट यूज़ करते हैं, और फ्री में ये नहीं है कि भाई पैसे नहीं लगा रहे या समथिंग एल्स। अगर आप पैसे लगा भी दो इस पर तो आपको कुछ ना कुछ फ्री चीज़ें ऐसी फिर भी मिल रही होती हैं जो कि TubeBuddy VidIQ ऑप्शन में, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको फ्री में भी मिल रही होती है, बस आपको थोड़ा सा माइंडसेट यूज़ करना होता है और आप निकाल लेते हैं। तो कैसे हम लोग फ्री में भी कीवर्ड्स, बेस्ट कीवर्ड्स हम लोग निकालेंगे और सब कुछ हम लोग देखेंगे किस तरह से होगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा बट लास्ट में। उसके बाद हम लोग एक और कीवर्ड है, मतलब कि कीवर्ड रिसर्च टूल है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है, कैसी है, क्यों है। KDT इस वेबसाइट का नाम है, इसको हम लोग कीवर्ड भी सर्च आउट करेंगे, और इसके मतलब कि पहले भी मैंने सर्च आउट किया है हाउ टू क्रिएट चैनल यूट्यूब चैनल, तो इसको भी हम देखेंगे। लैंग्वेज हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, इस वेबसाइट में। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी है जो कि हम लोग इसमें अपने कीवर्ड्स मतलब कि फ़िल्टर भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, बट ये भी आपको परचेस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है परचेस किए बगैर चले नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट, मतलब के न्यू बोलें या जो भी बोलें, एक यूट्यूब की कीवर्ड्स टूल ही है जिसको हम लोग यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं कि अबाउट फ्री और पेड भी मतलब क्या आ रहे हैं, तो पेड भी यूज़ करेंगे और फ्री भी यूज़ करेंगे, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई पेड या फिर फ्री। तो उसके बाद फ्री में आ जाते हैं भाई कि फ्री यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च टूल, मतलब कि कीवर्ड वेबसाइट क्या है। तो कीवर्ड टूल ये तो मोस्ट ऑफ पीपल्स यूट्यूब पे जो है लाजमी तौर पे इसको जानते होंगे और यूज़ भी करते होंगे, तो इसमें मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, ये भी पेड है, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं ये भी आप परचेस कर सकते हैं, बट ये आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बिगिनिंग लेवल पर हमें बिल्कुल ये चीज़ फ्री मिलती है।
उसके बाद हम लोग जाते हैं टैग्स जनरेटर, एक वेबसाइट है तो इस पे भी हम लोगों को टैग्स मिलते हैं, कीवर्ड्स टूल मिलते हैं। तो हम मतलब कि सिंपली यहाँ पर अपने कीवर्ड लिखेंगे आगे वाली वीडियो में, मतलब आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको प्रॉपर सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से होगा, ये कैसे होगा, क्यों होगा और एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी जस्ट हम लोग ओवरव्यू देखेंगे इसका। उसके बाद रैपिड टैग्स, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ काफ़ी टाइम में अपने, मतलब काफ़ी दफ़ा मैं अपने वीडियोस में जो टैग्स यूज़ करता हूँ वो रैपिड टैग्स से यूज़ करता हूँ। जैसे कीवर्ड्स जो टैग्स होते हैं ये भी काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं, मतलब कि बाकी भी बोल सकते हैं कि यूट्यूब सर्च इंजन, मतलब यूट्यूब के लिए जो टैग्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर आपको किस तरह से टैग्स दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, मतलब किस तरह से आप टैग्स यूज़ कर सकते हैं ये भी आपको बताऊँगा। मतलब इजी टू यूज़ है, फ्री में आती है, आप यहाँ से इजीली सब कुछ अपने टैग्स निकाल सकते हैं। यूट्यूब टैग्स जनरेटर, उसके बाद यूट्यूब कीवर्ड्स रिसर्च, मतलब यूट्यूब कीवर्ड टूल के नाम से वेबसाइट है जो। उसके बाद लास्ट में, सॉरी सेकंड लास्ट, इसके बाद लास्ट एक और आनी है, वो भी आपको मैं लाइव लेकर चलूँगा वहाँ पर। तो लास्ट में, सेकंड लास्ट में सॉरी, तो हमारा सेकंड लास्ट में जो मोस्ट कह सकते हैं कि बिगर टूल है जो कि हमारे कीवर्ड रिसर्च का है, बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कैसे हम लोग गूगल एड्स के थ्रू अपने कीवर्ड्स, अपनी वीडियोस के लिए कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम किस तरह से गूगल एड्स के थ्रू अपनी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल फ्री है, मतलब कि इसमें कोई भी ये पेड नहीं है, उसका हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। किस तरह से है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं जो कि पेड में मिलती हैं, जो कि यहाँ पर गूगल एड्स का हमें प्लेटफॉर्म है वो फ्री प्रोवाइड कर रहा है, आगे जाके गूगल भी इस चीज़ पे पेड ना कर दे वो अलग बात है, अभी तक ये फ्री ही है। तो कैसे होगा ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने बतानी है। तो लास्ट में हमारा जो मैन कह सकते हैं कि सर्च इंजन, जो कि बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो यूज़ भी करते होंगे, बट बहुत से लोग जो इग्नोर करते हैं ये उनके लिए है कि हमारा जो मतलब मेन सर्च इंजन भी है वो YouTube खुद है। किस तरह से है वो बता सकता हूँ बट अभी बताऊँगा नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। अभी जस्ट मैंने ओवरव्यू इन वेबसाइट्स का आपको बताना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर वे से सब कुछ देखेंगे किस तरह से हमारी जो वेबसाइट्स हैं इनको हम यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करते हुए कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, इन सबको किस तरह से हम यूज़ करके अपने टैग्स, अपने यूट्यूब के लिए टैग्स प्लस कीवर्ड सर्च करेंगे। तो उम्मीद है मेरी आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।